हेलो एंड वेलकम, दिस इज संतोष एंड वेलकम बैक टू टेक्नीशियन संतोष महतो। आज मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ और आज मैं नेटवर्किंग पैच पैनल कैसे इसको इंस्टॉलेशन करते हैं इस बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। तो बने रहिए, हम इसके बारे में जानेंगे और कैसे इसको फिट करते हैं ये भी सभी प्रोसेस आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और देखिए दोस्तों, हमारा पैच पैनल ये रहा जो 24 पोर्ट का है। इसमें आप 24 कैट 6 केबलों को एक साथ पंच डाउन कर सकते हो। और मैं ये पहला केबल जो कैट 6 केबल है 8 पेयर का, इसको यहाँ पर पंच डाउन करने जा रहा हूँ। और पंच डाउन करने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि ए कोड क्या है और बी कोड क्या है, क्योंकि यहाँ पर मैं बी कोड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और कोड के हिसाब से कलर का पैटर्न जो है फ़र्क होता है। और मैं यहाँ पर बी कोड यूज़ कर रहा हूँ। और देखिए, यहाँ पर मैंने सभी छोटे छोटे जो केबल हैं जिसको पेयर बोलते हैं, कैट 6 में 8 पेयर होते हैं, और इसको 4 पेयर और दूसरे तरफ, और 4 पेयर को दूसरे तरफ, ये 4-4 पेयर अलग अलग साइड में लगेंगी इस तरह से। और इसको हमें प्रॉपरली पंच डाउन टूल से ऐसे पंच करना है। जब हम पंच करेंगे केबल वहाँ पर अटैच हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी, जो वहाँ से हिलेगी नहीं और निकलेगी नहीं। और बाकी ये छोर जो निकल आए हैं इनको आप ध्यान से कट करेंगे। और आपको ये ध्यान में रखना है कि कट करने के लिए आपको शार्प टूल यूज करना है, जिससे काफ़ी बढ़िया तरीक़ा से पैर जो है छोटे छोटे केबल कट हो जाते हैं। और देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने एक केबल को पंच डाउन कर लिया है और हम दूसरे केबल को पंच डाउन करने जा रहे हैं। और सेम इसी प्रोसेस से हम सभी 24 पोर्ट को पंच डाउन करेंगे। तो अभी के लिए मैं वीडियो को फास्ट कर देता हूँ। देखिए, तो देखिए दोस्तों, मैंने पहले 5 पोर्ट में जो है आईपी सीसीटीवी कैमरा को कनेक्ट कर लिया है। और मैं पैच पैनल में वो कैट 6 का केबल जो है कनेक्ट कर दिया है मैंने। और मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, देखिए लिंक बता रहा है। और मैं 1 बाय 1 सभी 5 पोर्ट में ये टेस्ट कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं ऊपर का जो पीओई स्विच पर लिंक दिखा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये पैच पैनल में जो कनेक्शन हमने किया है वो सही बैठा है। और ये बात आप लोग भी जब पैच पैनल कनेक्ट कर रहे हो एक बार चेक ज़रूर कर लेना।
ताकि आपको दिक्कत ना हो, फिर से उसको खोलकर पैच करने में दिक्कत हो सकती है। और फाइनली हम 6 केबलों को यहाँ पर पैच कर चुके हैं, पंच डाउन कर चुके हैं। और ये पैच केबलों को जो मैनेजमेंट करने के लिए ये जो दिया हुआ है हैंडल, और इस पर हम केबल टाई से इसको बांधकर केबल को फिक्स करेंगे, टाइट करेंगे, जिससे ये होगा कि हमारा कनेक्शन जो हिलेगा नहीं और खिंचाव और तनाव में भी ये निकलेगा नहीं ये केबल। और ये बहुत ज़रूरी है, आप पैच पैनल मारकर ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। और इसको जब आप केबल टाई से इस तरह से बांध लोगे तो आपका केबल बहुत ही दिखने में भी अच्छा दिखेगा और वो पकड़ भी उसका मजबूत होगा। तो इस तरह से आपको केबल बांधना है।
तो दोस्तों, फाइनली हमने सभी 24 पोर्ट में केबल को कनेक्ट कर दिया है और अब हम ये केबल टाई इसमें टाइट कर रहे हैं। मैंने बताया था आप लोगों को कि केबल को ऐसा ही नहीं छोड़ना है और इसको मैनेजमेंट करने के लिए आप इसे केबल टाई से बांध सकते हो। इससे ये होगा कि केबल में फिनिशिंग भी दिखेगा और केबल का जो पकड़ है वो भी बढ़िया रहेगा और इस तरह से आप लोगों को केबल को भी मैनेजमेंट करना है। जैसा है वैसा ही केबल टाई नहीं बांधना है, पहले आप केबल को मैनेजमेंट करेंगे और उसके बाद वन बाय वन आपके अकॉर्डिंग इसको केबल टाइम से बांध सकते हो। तो ये रहा नेटवर्किंग पैच पैनल इंस्टॉलेशन करने का पूरा तरीका। आई होप आप लोग सब जान चुके होंगे और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। तो प्लीज़ गाइज, चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है इस तरह का वीडियो बनाने के लिए। आपके एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बने रहिए।